सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाइए। भारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर तनातनी बरकरार है। फिलहाल दोनों ही देश इस मामले में अपने कदम पीछे खींचने को राजी नहीं है। पिछले दिनों इसी मुद्दे पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के राष्ट्रपति और वहां के NSA से भी बैठक की थी। इसके बाद भी फिलहाल इसका कोई हल नहीं निकला है। दोनों ही तरफ से सीमा पर सेना का जमावड़ा जारी है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति की तरफ से बार बार यह बयान दिया गया है कि उनकी सेना हर तरह से तैयार है। दो माह से जारी इस तनातनी के बीच भारत भी अपने रुख पर कायम है, लेकिन इसके साथ साथ भारत इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का भी प्रयास लगातार कर रहा है। यही वजह है कि ब्रिक्स देशों के NSA की मीटिंग के लिए चीन गए अजीत डोभाल ने वहां राष्ट्रपति शी जिनफिंग से भी मुलाकात की थी। गौरतलब है कि चीन ने एक दिन पहले ही इस बात को माना है कि डोकलाम एक विवादित क्षेत्र है। इससे पहले वह हर बार यही कहता रहा है कि यह चीन का इलाका है और यहाँ पर कभी उसके चरवाहे अपनी भेड़े चराते थे। मामला सुलझाने के लिए हैं दो विकल्प। भारत इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दो विकल्पों पर काम कर रहा है। इन विकल्पों में पहला विकल्प यह है कि डोकलाम और भूटान की चीन से लगती सीमा से भारतीय फौज को हटाकर वहां पर भूटान की आर्मी को तैनात किया जाए, लेकिन इससे पहले चीन को भी वहां से अपनी सेनाएं हटानी होंगी। दूसरे विकल्प के तौर पर इस मामले को नवंबर तक खींचा जाए और इस बीच बातचीत कर मामले का शांतिपूर्ण हल तलाशने की कोशिश की जाए। इन दो विकल्पों में यदि विचार किया जाए तो पहला विकल्प शायद चीन को रास न आए। इसकी वजह यह भी है कि चीन इस जगह से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए राजी नहीं है। हालांकि चीन बार बार भूटान के इलाके में भारतीय सेना की मौजूदगी को लेकर शिकायत करता रहा है। शी जिनफिंग के लिए अहम समय। दूसरे विकल्प में मामले को नवंबर तक टालने की बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दौरान होने वाली बर्फबारी में न तो इस इलाके में सड़क बनाना आसान होगा और न ही चीन की तरफ से अपनी सेनाओं को आगे लाना संभव होगा। यह समय मौजूदा राष्ट्रपति के लिए भी बेहद खास होगा। इसकी वजह है कि चीन में राष्ट्रपति चुनाव का समय निकट है। ऐसे में राष्ट्रपति किसी तरह के विवाद में नहीं फंसना चाहेंगे। इसके अलावा उनके ऊपर मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का भी दबाव होगा, जिसके लिए उन्हें आपसी बातचीत के लिए सामने आना होगा। ऐसे समय में चीन भारत के साथ किसी भी तरह के युद्ध में खुद को नहीं झोंकना चाहेगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।